गाइस बता दूं आपको, अभी मैं गई थी, पापा मैं मम्मी तीनों गए थे। अभी मेरी मतलब मैं बता दूं आपको, अभी मैं मम्मी और पापा तीनों गए थे स्कूल, मेरी स्कूल। क्यों? क्योंकि जो नोटबुक्स है वो मैम को सबमिट करानी थी, ठीक है, तो मैम को सबमिट करानी थी तो इसीलिए हम गए थे। मैं गई थी, बाकी मैंने मम्मी को कहा था आप चले जाओ दे के आ जाना, ठीक है, पर मम्मी ने कहा तू भी चल। मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ, ठीक है। तो मैं गई, तो फिर वो सब मैम ने एक मेरी फ्रेंड की नोटबुक्स दी और मैम ने कहा कि वर्क चेक करो कि कितना तुमने कर रखा है। मैंने कहा मैम इतना कर रखा है, ठीक है, तो मैम को बता दिया। हम जैसे जैसे सील लगती गई वैसे वैसे काम कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। और फिर वहाँ से हमने सोचा था कि चलो मम्मी की भी वैक्सीन लगवा के उधर आ जाएगी, पर हुआ ये कि स्कूल के वहीं रुके और एकदम से पापा को याद आई, अरे आधार कार्ड ही नहीं लाया मम्मी का। अभी वापस घर इसलिए आए क्योंकि मम्मी का आधार कार्ड लेके आना है, तो वापस मैं भी जाऊंगी मम्मी के साथ वैक्सीन लगवाने। मैं नहीं लगाऊंगी पर मम्मी लगाएंगे, मम्मी की लगेगी ना तो मैं भी जाऊंगी मम्मी के साथ। और एक बात बता दूँ, जब मैं जाने वाली थी, ठीक है, उससे पहले अपने मतलब हमारी छत पे ही एक हेलीकॉप्टर आया था। हेलीकॉप्टर हमारी छत से जस्ट यूं गया था, थोड़ी सी छत से दूर, और वो गया था और इतनी आवाज़ कर रहा था ना सही में, अरे ब्राइटनेस एकदम तेज के से, तो वो बहुत मस्त एक नंबर पास से पहली बार देखा मैंने। यार तो नहीं मतलब पहले भी देख रखा है मैंने, था तो वहाँ पे ना लैंड हुआ हुआ था, अरे सॉरी मोदी जी आए थे, हाँ तो वहाँ देखा था हमने, वहाँ लैंड हुआ हुआ था हेलीकॉप्टर, जस्ट जैसे डोली डोली के ऊपर से देखा था हमने। सो गाइस अभी तो आए हुए पर भी वेट करना पड़ रहा है थोड़ा इधर कुछ। सो वही वैक्सीन लग चुके पर यहाँ ज़्यादा भीड़ हो रखी, अंतर तो एकदम सोशल डिस्टेंसिंग है पर यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है और बारिश आ गई देखो। और इधर इतने जंगल में बना रखा है ये छोटा सा हॉस्पिटल, छोटा नहीं है बड़ा है बहुत सही में खतरनाक वाली भीड़ हो रखी है यहाँ, ठीक है, पर अंदर एकदम सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई लोग स्लीपर्स पहन के जा रहे हैं कोई लोग खोल के जा रहे हैं, तो फिर ठीक है ना, हमने तो खोल के गए थे, सब जा रहे थे खोल के, तो हमने भी खोल दी। लेट्स गो, सो बैक एट होम। अंदर तक ही ले जाएंगे मेरे को रखने पूरा अंदर भी है। और गाइस बता दूं ये जो स्कूटी है ना ये इसकी सीट तो देख, ये जो है ना ये मैं चला सकती हूँ उसको, इस मेरे पूरे पाँव पहुंच जाते हैं इसमें। चलो ऊपर चलते हैं यहाँ पर। लो भाई से तू देख जींस गंदी नहीं हुई मेरी, अच्छा हुआ गंदे हुए गंदे, नो प्रॉब्लम।
और गाइस मैं बता दूं आपको, जैसे कि कल की आपने वीडियो देखी, व्लॉग देखा सॉरी, तो उसमें मैं गई थी, कहीं गई थी वो मैं बताती हूँ आपको। तो मैं गई थी, मैं खाना वाना खाया, सब बहुत सारे जने थे, ठीक है। तो मैं कहाँ गई थी वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके रिटायरमेंट था, ठीक है। तो वहाँ गए थे दादा, मैं, अक्की, अपी और चाची, बड़े पापा और बड़ी मम्मी, ये सब गए थे, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ी सी वीडियो बताई, पर वहाँ पर मैं इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि मैं फ़ोन नहीं ले रही थी, ये वाला दादा के फ़ोन से बनाई, तो दादा के फ़ोन से थोड़ी सी क्वालिटी कम आती है, तो इसलिए मैं भी नहीं बना पाई। और मतलब बता दूँ आपको, वहाँ पे इतने सारे जने थे कि वहाँ पे कौन क्या कह रहा है, ऐसा लग रहा कोई लड़ रहा, वहाँ पे बहुत सारे जने थे। तो मैं वहाँ पे भी कुछ बोलती तो भी कुछ समझ में नहीं आता। मेरी दोस्त थी, उसी के दादा का रिटायरमेंट था और वो हमारे एकदम रिलेटिव, आसपास रिलेटिव ही है, ठीक है। तो वहाँ गए थे और वहाँ पे खाना वाना खाया। खाने में मेरी फेवरेट चीज़ थी काजू की कतली और मालपुए, मज़ा आ गया। ये आपने खाने की प्लेट देखी है मेरी, चावल, काजू की कतली, मालपुआ और एक और मिठाई थी, और क्या था, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी और पूड़ी, बस मैंने इतना ही लिया था। और कचौरी, वो मिर्ची बड़ा, वो सब चीज़ें थी, पर मैंने ट्राई नहीं करा। मैंने वो जो भी चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आ गया खा के। वहाँ इतने सारे जने थे तो वहाँ पे कुछ मैं ज़्यादा बोल नहीं पाई, बस मैंने आपको वीडियो दिखाई है बस। यार चलो चलते हैं यार, ठीक है। फिर अक्की को पूछा तो अक्की तो बोले मैं तो नहीं जा रहा, तू यही रुक जा, रुक जा। मैंने कहा अरे क्या करेंगे, हैरी भी नहीं है, हैरी उसके खेलने गया था पता नहीं कहाँ पे, और कोई भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा अरे तू भी चल, मैं भी नहीं रहूँगी तो तू क्या करेगा अकेला। तो उसने बोला चलो मैं भी चलता हूँ, ठीक है। तो हम दोनों सब चले गए थे, खतरनाक खाले जने थे, 600 जने, 600, 600 जने। उन्हें सोचा होगा यार कोविड के टाइम कौन आएगा कौन नहीं आएगा, पर जो जने आए ना बस। और कल मैं भी नहीं जा रही थी, दादा मेरे को बुलाने आए थे पर मैं भी नहीं जा रही थी। मैंने कहा यार दादा यार चलो चलते। तो बस ये कुछ रहा है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी अच्छी वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। जल्दी बोल दिया लास्ट का मैंने, ठीक है, बाय।